अस्सलाम वालेकुम भाइयों, आज जनाब हम आ गए हैं अलगौसिया हैदराबादी यखनी पुलाव और बड़े अच्छे रिव्यूज़ जो हैं वो इनके सुने थे, तो हमने कहा आज ट्राई करें इनको। लोकेशन इनकी जनाब जो है वो ये हैं सेक्टर 11D के अंदर, और उसकी जो मेन रोड है ये जा रही है आपका पावर हाउस चौरंगी, अगली चौरंगी 4 के, और उसके यहाँ ये उस तरफ नीपा और उसकी तरफ जा रहे हैं। तो सेक्टर 11D की जो मेन सड़क है जो कि पावर हाउस चौरंगी जो है उसको टच करती है, उस पे ये मेन रोड पे यहाँ बैठे हैं। आए देखते हैं इनके पास मेन्यू में क्या क्या है। और इनकी एक और ब्रांच भी है जो कि 4 के चौरंगी के पास है, वो थोड़ा सा जैसे रेस्टोरेंट ढाबा टाइप सेटअप होता है, ये इनका सारा सेटअप जो है वो ठेले के ऊपर है। हाँ जी देखते हैं। ये थाल जा रहे, ये बाकी ये सेटअप बैठने का भी यहाँ मौजूद है, कुर्सी पे तख्त पे आप बैठ के जो है वो यहाँ नोच कर सकते हैं। इसी तरीके से वो दरख्त के नीचे भी वहाँ सेटअप है। और ये जो हैं ये बना रहे हैं सड़क पार, किचन है इनका। ये इनका सेटअप है खाने पकाने का। ये जनाब इनका पकवान चल रहा है आज। यहाँ ये तैयार हो रहा है और ये जो है वो इनका सारा सेटअप। चलें जी मंगवाते हैं और देखते हैं कि इसका जायका कैसा है। ये आ गया है भाइयों अलगौसिया बीफ पुलाव हैदराबादी, अलगौसिया हैदराबादी बीफ पुलाव। सिंगल प्लेट जो है वो मैंने मंगाई है और इसकी खुशबू से जो है ना वो पूरी गाड़ी जो है वो महक गई है। ये सिंगल प्लेट यानी ये एक पाव की प्लेट है 120 रुपए की, और 480 रुपए किलो के हिसाब से ये बीफ पुलाव आता है। इनके पास यही है आइटम मेन मेन्यू में, और साथ में इनके रायता जो है वो ये देते हैं, आप ले सकते हैं अलग से, ख़रीदना पड़ेगा। बाकी सैलड वगैरह कोई नहीं होती, बस पुलाव और रायता, विच आई थिंक इज़ गुड कि भाई फोकस रहें। चलें जी बिस्मिल्लाह करते हैं, इसको ट्राई करके देखते हैं। बिस्मिल्लाह चलें, पहले तो ज़रा जनाब इनका बीफ देखते हैं, बीफ कैसा है। बोटी को आप देखें, लग रहा है कि अच्छी जो है वो इसको भगारा गया है गोश को। बिस्मिल्लाह, ओए होए खोलती गया ये भाई। ऊपर इन्होंने चुचरी प्याज जो है उसकी गार्निशिंग की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमान, वाह बहुत ही रिच यखनी पुलाव है। चावल माशाल्लाह से देखें
बहुत अच्छा चावल इस्तेमाल हुआ है, और इसमें जो है ऐसा लग रहा है मुझे कि इन्होंने हरा मसाला भी इस्तेमाल किया है, क्योंकि इसमें ना थोड़ा सा स्पाइस किक आ रहा है। वाह, बहुत तारीफ सुनी थी इसकी, बहुत सारे रिव्यूज अच्छे जो हैं उनके पता चले थे, उनका ट्राई करें, और आई थिंक ये बड़ी अच्छी फाइंड है, मज़ेदार।